गुड मॉर्निंग, मेरा नाम विजय है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर आपको सबको पता है कि आप मेरी चैनल के सब्सक्राइबर्स हो, तो आप ये रेगुलर वीडियो देख रहे हो। तो ज्ञानदीप माइंड पावर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं कि माइंड रीडिंग। माइंड रीडिंग का मतलब आप समझ रहे हो शायद कि भाई बाबा जाने मन की बात। आपने शायद आश्रम की सीरीज देखी होगी बॉबी देओल की, तो एक ही डायलॉग है, बाबा जाने सबके मन की बात। तो इसका मतलब होता है कि आपके मन के भीतर वो सारी घटनाएं जो होने वाली है वो पहले से आ जाती है, उसी को कहते हैं ज्ञानदीप माइंड पावर। मैंने कोडिंग में आपको बताया, आगे फिर आपको समझना है इसका कितना सच है कितना झूठ है। यूट्यूब पर आपको काफ़ी सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो मिल जाएंगे और न्यूटन के सिद्धांत भी मिल जाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएगी, टेलीपैथी की मिल जाएगी, जिसको माइंड पावर से कनेक्ट किया है। इस यूनिवर्सल ब्रह्मांड का नियम है। तो अगर मानते हो तो बहुत कुछ है, नहीं मानते तो कुछ भी नहीं है। तो उस थियोरी का उपयोग हम लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं। देखो यहाँ पर पहले बता दूँ मैं कि मेरा जो ये ग्रुप है, ये एजुकेशनल पर्पस ग्रुप है। हमारा एक ही मग लक्ष्य है कि ज्ञानदीप माइंड पावर का मतलब है कि एक ज्ञान की जो ज्योत होती है ना, इसका जो दीप होता है ना, उस दीप को दूसरों की तरफ ले जाओ, ताकि जो अंधेरे में, जिसको कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, तो उन लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग के सीक्रेट्स पता चले और मिनिमम जो कुछ कमाना है ना वो कमा कर निकल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग में कमाना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कमाते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो सलीम जी है जो भोपाल से जुड़े हैं, तो ये भी ट्रेड लेते हैं कभी ना कभी। तो ये क्या करते हैं, 1165 रुपया प्रॉफिट। आई एम ओनली बैंकर है ये, अच्छी खासी बैंक में जॉब करते हैं, और ये आज ट्रेडिंग की इन्होंने, तो इतना प्रॉफिट कमाया। मैंने सिर्फ इतना बताया इनको कि सर कृपया करके है ना पुट मत लेना, बस सी कंटिन्यू पुट सोच के भी ना ले। ये मैंने 10:12 को इनको मैसेज किया, और मैंने है ना मेरे ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, तो उन लोगों को मैंने ये भी, जो लोग प्रोफेशनल ट्रेडिंग नहीं जानते और इमोशनली ट्रेडिंग कर रहे हैं, मान लो इमोशनली का मतलब ये हुआ कि अब मैंने कॉल में 1000 रुपया कमा लिया ना, मुझे ऐसा लग रहा है पुट होने वाली है। कोई 10,000 कमा लिया, मुझे ऐसा लग रहा है पुट होने वाली है। तो मार्केट ऐसी चाल चलेगा डिग्री के हिसाब से, कि उन लोगों को डिग्री का जरा भी नॉलेज नहीं है। तो डिग्री का नॉलेज नहीं है इसलिए तो मैं डिग्री का नॉलेज देता हूँ। 45,800 सी सेंटीमेंट, सेंटीमेंट सेटलमेंट, सेटलमेंट का मतलब होता है कि 46,252। अब 46,252 यानी कौन है ये? ये रजिस्ट्रेंस मैंने यहाँ पे दे दिया 46,252, और 45,800 सी जो होता है ना वो 46,252 के करीब जाएगा, और 900 डिग्री का टारगेट यहाँ पर 719 का दे देगा। साफ साफ इस चार्ट के अंदर, प्रीमियम चार्ट के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पर देख लो है ना, आप लोग क्या करते हो पता है कि आज आप लोगों ने आज तक जितनी भी कोई यूट्यूब के अंदर वीडियो देखी होगी ना, वहाँ पर आपको लेवल अपडेट सिखाई जाती है। क्या सिखाई जाती है? लेवल अपडेट। और ये जो चार्ट पैटर्न है ना, ये चार्ट पैटर्न मैंने आज से, यानी आज तो मैंने इनको भेजी थी, इसके लिए भेजी थी ताकि वो पुट ना ले, पहली बात तो इसलिए भेजी थी। तो मैंने है ना ये चार्ट है ना बहुत पहले मैंने बना दिया था, यानी बिफोर मार्केट मैंने बना दिया था। बिफोर मार्केट आपको मेरे ग्रुप के अंदर देखने मिल जाएगा कि ये सारे के सारे डिग्री यहाँ पर आपको अभ्यास दिखाई दे रहा है, पूरा तो डिग्री का ही दिखाई दे रहा है। तो मैंने है ना एडवांस में जिसको कहते हैं डेटा साइंस रिसर्च, अगर मान लो डेटा साइंस रिसर्च के बारे में आप जानते नहीं हो, तो उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो उसको आप देख लीजिएगा ताकि आपको पता चले। तो ये रियल प्रॉफिट भी आते हैं यहाँ पर, और एजुकेशन पर्पस प्रॉफिट भी आते हैं। सारी डिग्री का जो अभ्यास है नहीं, पुट का लोअर देने वाला है, जो चार दिया था ना कॉल का चार दिया था, मतलब के पुट का लोअर मिलने वाला है। तो 28 सितंबर की जो पुट है वो पुट कितना लोअर बस देने वाली है। अरे यार 28 सितंबर की पुट ये कहाँ से आई? फिलहाल तो 24 सितंबर चल रहा है, मैं 28 सितंबर में काम कर रहा हूँ। तो देख लो यहाँ पर मैंने ना 28 सितंबर का डेटा मैंने निकाल के दिया हुआ, इसको बोलते हैं डेटा साइंस रिसर्च। आपको ये जो संख्या दिखाई दे रही है ना, ये सारी की सारी डाउन जोन्स की संख्या है, लेकिन ये पूरा ब्लैंक हिस्सा है, और इस ब्लैंक हिस्से के अंदर 26,46,000 और यहाँ पर 267, यानी नज़दीक का टारगेट 46,000 267, और इन दोनों के बीच में एक चीज़ होती है कि 300 का टारगेट, जैसे 250 है ना, तो यहाँ पर 300 होता है, तो 46,300 का टारगेट बराबर। तो ये मैंने लिखा नहीं है, ये मिसिंग है, ये जानबूझकर मैंने मिसिंग लगा, भाई ये आपको खुद को रिसर्च करना सीखना है। तो 46,267 के बाद में जो एसएल होती है ना, 46,300 की एसएल होती है, तो ये मैंने डेटा साइंस रिसर्च मैंने खुद ने निकाला हुआ है। तो ये मैं कैसे रिसर्च कर लेता हूँ, ये सीखना चाहते हो ना, तो मेरा नंबर जो है ना यूट्यूब के अंदर आपको मिल जाएगा। ये यहाँ पे जो लिखा है ना, आपको यहाँ पर भी मेरा नंबर, ये ड्राफ्ट लिखा है ना ड्राफ्ट, यहाँ पर भी मेरा नंबर मिल जाएगा। तो
कैसे मैं रिसर्च करता हूँ, मेरा दिमाग कैसे चलता है अभी बिफोर मार्केट, तो ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, बराबर। तो ये रहा वो चार्ट एडवांस के अंदर, 45,800 सी मैंने लेने का सजेस्ट किया था, और 46,252 का हाई इस जगह देगा। अब देख लो जरा 719 का, अब मैं यहाँ पर रियल पे लेके आता हूँ आपको, ये रहा 45,800 का सी, 651, आप देख सकते हो कितना हाई गया, 752 का हाई दिया और यहाँ पे 738 का हाई दिया, और जो बाद में जो गया था वो 688 का हाई दिया। तो कहने का मतलब मैंने जो हाई दिया था ना, वो हाई मैंने कितना हाई दिया, 719 का हाई दिया, और 719 और ये गया कहाँ पर, अब देख लो 752 पे गया, और कहाँ पे गया, 730 पे गया। तो कहने का मतलब कि ये टोटली आज का डेटा और टाइम जोन के साथ दिया है कि 11 बजे और दूसरा 12 बजे, और ये दो टाइम जोन, इसके पहले मैंने साफ साफ मना कर दिया था मॉर्निंग में 10 बजे, जैसे सलीम जी ने प्रॉफिट लिया तो मैंने मना कर दिया, सर जी है ना कृपया करके पुट मत लेना, वरना आपकी पुट में आपने 1,000 रुपये यहाँ से लेके यहाँ पे कमाए, बराबर। वो पुट ऊपर चली गई, यानी पुट ने लोअर दिया, तो पुट ने लोअर दिया वो कैसे लोअर दिया ये मैं भी बताना चाहता हूँ, बराबर। देखो हम लोग जो होना होता है ना, वो पहले से वहाँ लेते हैं और पहले से ही बना देते हैं, ताकि ये ना हमारे ग्रुप के अंदर किसी को भी नुकसान ना हो, पहली बात। तो मैं कैसे रिसर्च करता हूँ, क्या करता हूँ, डेटा साइंस रिसर्च किया जानना चाहते हैं, तो मेरा नंबर जो है वो आपको मिल जाएगा, आप करिए कुछ नहीं, ज्वाइनिंग कीजिए और आराम से कमाइए, मॉर्निंग में सारे के सारे प्रॉफिट आपको मिलेंगे। और सीधा आ गया ये 951 को, मैंने ये जो एडवांस में ड्राइंग किया था, ये है पुट का चार्ट। अब पुट हाई दे रहा है वो चार्ट नहीं है, ये पुट लोअर दे रहा है ना वो चार्ट, और ये 28 सितंबर का चार्ट है, ये 20 सितंबर का चार्ट नहीं है, ये यानी ये 24 सितंबर का चार्ट नहीं है, 28 सितंबर का चार्ट है, जिस एक्सपायरी को इस एक्सपायरी के आगे आना है, यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, स्पॉट प्रीमियम को कितने रगड़ने वाले, किसको धोने वाले, पुट को धोने वाले, कॉल को धोने वाले, ये सारा का सारा ब्रेन के अंदर है ना वायरिंग पहले से होना चाहिए। एक तो मैंने आपको बताया वो वाला चार्ट के जहाँ पर 46,252 का सेटलमेंट, मैंने 45,800 की स्ट्राइक, अगर प्रीमियम लेते हो तो आपको उतना टारगेट मिलेगा, 750 का टारगेट मिलेगा जो हिट हुआ, जो आपने यहाँ पर देखा, बराबर, जो यहाँ पर आपने देखा कि 750 का टारगेट यहाँ पे हिट हुआ, सेकंड टारगेट यहाँ पर भी 700 का हिट हुआ, जहाँ पर 46,300 का हाई यहाँ पर एंडिंग में दिया था। तो देख लो प्रीमियम घिस रहा है, प्रीमियम है ना 46,200 पर प्रीमियम इतना दे रहा है, और 46,300 पर प्रीमियम इतना दे रहा है, तो 46,300 ऊपर है या 46,200 ऊपर है मुझे बताओ, 46,256 पे प्रीमियम 720 गया, लेकिन 46,300 जैसे आया ना तो प्रीमियम 688 रुपया हो गया। तो कहने का मतलब कि स्पॉट के ही प्रीमियम को नहीं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम को भी रगड़ रहे, यानी ये यूं गया यूं आया, इसमें तो ना डेल्टा थीटा वगैरह घिस गया, तो लोगों ने क्या किया पता है, शिकायत करना शुरू कर दी होगी, बोले यार ट्राइक तो रजिस्टेंस दे रही है लेकिन पता नहीं क्यों, बोले कि भाई प्रीमियम नहीं आ रहे, बोले वो प्रीमियम है ना एवरेज में प्रीमियम आते हैं, यानी आप लोगों ने किया है कि यहाँ पे अगर मान लो एंट्री ली और यहाँ पर नीचे गया, तो आपको यहाँ पर है ना उससे भी हैवी क्वांटिटी आपको, यानी 900 300 क्वांटिटी अगर यहाँ पर है, तो आपको 900 क्वांटिटी यहाँ पर करनी पड़ेगी, तब जाके आप यहाँ पर जैसे 240 का लोअर दिया था एक स्ट्राइक ने, 45,600 ने, बराबर, तो वो कुछ स्ट्राइक थी और वो स्ट्राइक ने इतना हाई दिया 300 रुपये का हाई दिया यहाँ पर एग्जैक्ट 3:05 पर, और वो भी डेटा मेरे ग्रुप के अंदर मैंने डाल दिया है कि देखो भैया ये जो स्ट्राइक ना 300 देने वाली है टारगेट, यानी 120 रुपये का डिग्री यहाँ पर मैंने ड्राइंग करके रखा हुआ है पुट लोअर का, बराबर। कौन सी स्ट्राइक है, तो ये 46,200 की स्ट्राइक है जो 419 पे चल रही थी, तो ये स्ट्राइक का लोअर मैंने यहाँ पर दे दिया था कि लोअर है ना पुट की लोअर इतनी देने वाली। देखो बहुत सारे वीडियो के अंदर मैंने बता चुका हूँ कि भैया कि आपको है ना ट्रेडिंग किस तरह करना है, तो रियल ट्रेडिंग भी आते हैं सारे के सारे लोअर में यहाँ पे निकालता हूँ, जैसे मैं टारगेट देता हूँ ना ये कि यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आके ही रहता है, ये 240 के बाद में 270 जाके ही रहता है, तो इसकी मजबूरी होती है 900 डिग्री। अब ये 900 डिग्री क्या है, 600 डिग्री क्या है, डेटा साइंस क्या है, ये तो भैया ऐसे सीखने नहीं मिलेगा ना आपको। तो आप देख लो कि वो जो लिखा था ना 120 डिग्री पुट का लोअर वहां पर हिट हुआ, अब दूसरा जो है ना 120 डिग्री यहाँ पर भी 120 डिग्री भी चिरते हुए दिखाई देगा, अब देख लो पहले, और आपको चिरते हुए दिखाई देगा 120 डिग्री को, ये देख लो 120 डिग्री के ऊपर जा रहा है यहाँ पे, तोड़ रहा है इसको, यानी 120 डिग्री पे भी बाजार है ना शांति से बैठता नहीं है, उछाल उछाल करता है, कहने का यानी पुट में जो बंदा एंट्री लेता है उसकी बार बार ऐसी लीड होती है, देख लो, फिर उसके बाद में एसएल खाने आया, फिर वापिस से ऊपर गया,
कहने का मतलब कि ये सिलसिला है ना, पूरा दिन चलते, लेकिन मेन चीज क्या है पता है आपको, कि डिग्री या नॉलेज जो है ना वो पता होना चाहिए, डबल टॉप डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम वगैरह होना चाहिए। अगर मान लो स्टॉक सिलेक्शन के बारे में बात करूँ, तो एक कहानी मैं आपको छोटी सी बता देता हूँ कि देखो एक होता है ना वो ससला होता है, आपने ससले का नाम सुना होगा, ससला सफेद कलर का, और एक होता है कछुआ होता है। तो ये बचपन में आपने कहानी सुनी थी, तो ये कहानी के अंदर क्या है पता है कि दोनों में रेस लगती है, और दोनों में है ना ससले को बहुत घमंड होता है, और बोलता है कि देख भाई मैं तेरे से आगे निकल जाऊंगा, तो बहुत धीरे धीरे चलता है, फिर मैं तो वजन खुद का वजन संभालने की ताकत नहीं है। तो कछुआ बोलता है कोई दिक्कत नहीं, फिर भी रेस लगाते मैं तैयार हूँ। तो कछुआ और ससला जो है ना दोनों जने रेस लगाते हैं, तो उसके अंदर ससला को है ना ससले को है ना बीमार आ जाता है कि यार मैं तो बहुत तेजी से चलता हूँ, वो तो बहुत धीरे धीरे चलता है, ला मैं थोड़ा आराम कर लूँ। तो वो जो आराम करता है ना उतनी देर में उसको नींद लग जाती है और गहरी नींद में चला जाता है। कछुआ जो धीरे 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 चलते चलते वो पहाड़ तक पहुंच जाता है, उसकी मंजिल निकल जाती है, उसकी मंजिल पहुंच जाती है। ससला आगे देखता है, बोले ये क्या हुआ, बोले मैं तो सोने में मेरी तो गहरी नींद लग गई, और बोले तो पहुंच गया। अब मैं इस कहानी का सार आपको मैं मेरे यूट्यूब चैनल से मैं आपको जोड़ के देता हूँ, मेरे ऑप्शन ट्रेडिंग से जोड़ के देता हूँ। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग ये क्या है पता है आपको, ये ससले की चाल है। अब ससले की चाल का मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जब लॉस होता है, जब लॉस होता है या लॉस नहीं होता है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मान लो आपने टारगेट नहीं लगाया, मान लो आपने टारगेट नहीं लगाया, आपको 900 डिग्री का टारगेट पता ही नहीं है, और आप ऐसे ही मान लो ट्रेड करे जा रहे हो बिना टारगेट समझे, और आप टारगेट नहीं लगाते, तो होगा ये कि आप कुछ और करना शुरू कर दोगे और बाजार कुछ और करना शुरू कर देगा। यानी आपका टारगेट आएगा, आपको मुनाफा मिलेगा, लेकिन आपका मुनाफा है ना वो मांडेल इफेक्ट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोल चुका हूँ मैं। तो मांडेल इफेक्ट्स का मतलब कि भैया स्टेशन तो आना, लेकिन राजधानी ट्रेन के अंदर अगर मान लो खड़े है ना, तो स्टेशन का आपको नंबर दिखाई नहीं देगा, बराबर। तो वो वाला दिमाग में जरा फॉर्मूला आप डाल दीजिए कि आप राजधानी ट्रेन में अगर मान लो जा रहे हो, स्टेशन बहुत तेजी से आ रहा है, लेकिन स्टेशन का नाम सुनाई नाम दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहने का मतलब कि मांडेल इफेक्ट्स का मतलब कि मैंने प्रॉफिट से गिना, कि प्रॉफिट तो आया लेकिन टारगेट नहीं लगाया था ना, तो टारगेट तो चला गया, आप कुछ और करते रह गए, प्रॉफिट गायब हो गया। तो कहने का मतलब कि है ना टारगेट लगाना पड़ता है, टारगेट कौन सा लगा है 900 डिग्री का, तो भैया गुरु बिना ज्ञान नहीं है ना, वो तो सीखना पड़ेगा ना। तो मैंने है ना उनके लिए वो कछुए की चाल के लिए मैंने बोला कि देखो अगर मान लो कछुए की तरह चलना है, तो राधा कृष्ण रामानी, राकेश झुंझुनवाला, विजय केड़िया, ये जो महान महान ट्रेडर्स जो भी है, राकेश झुंझुनवाला तो नहीं है लेकिन उनकी फैमिली आज भी ट्रेडिंग करती है, तो ये जो लोग है ना ये बहुत पहले कम पैसे लेके मार्केट में आए थे, और इन्होंने ना तब ऑप्शन फ्यूचर वगैरह समझ में नहीं आता था लोगों को, ये लोग खाली निवेश करते थे और निवेश में लोग प्रॉफिट लेते थे, बराबर। इनका किस्मत काम कर गया, आज देख लो इनका जो ट्रेडिंग सेशन है, मान लो इनका इन्वेस्टमेंट भी अगर मान लो ट्रेड लाइन के अंदर जाके देखोगे ना इनका पोर्टफोलियो, आप सोचोगे कि ये लोग छोटे से अमीर बने, हम तो ऐसे कैसे हैं, लेकिन वो लोग है ना कछुए की चाल चले थे, वो लोग ससले की चाल नहीं चले थे। और जितने भी यहाँ पर नए नए लोग मार्केट के अंदर आते, नए नए बिगिनर्स आते, बस 15,000 है सर मेरे पास, मैं सीखना चाहता हूँ। मतलब भैया क्या सीखना चाहते हो, बोला ऑप्शन ट्रेडिंग, बोला ऑप्शन के बारे में कितना पता है आपको, पता है ना आता है या जाता है या जाता है, यानी 15,000 की जो चीज़ है, 15,000 की जो वैल्यू है ना मार्केट के लिए, ये टोटली जीरो डिमेट की वैल्यू है। यानी 15,000 वाले, 25,000 वाले, 50,000 वाले, ये लोग मार्केट में ना सपना लेके आते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बताए आपको, एक ही गलती करेंगे, उसने कमाया तो मैं नहीं कमा सकता। तो ये जो जीत होती है ना जीत, ये मार्केट के खिलाफ कर देती है, और मार्केट उसको पूरा साफ कर देता है। यानी ये जीत से बिजनेस नहीं होता है, ये बिजनेस होता है सीखने से। तो मैं अच्छी तरह से सिखाता हूँ, आप ज्वाइनिंग कभी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब वो होता है कि ससले की चाल, और ससले की चाल का मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया, वो टारगेट नहीं लगाया, आराम किया और बैठ गया, टारगेट चला गया और लॉस आ गया। तो इसका मतलब एक, अगर ससला बनना है तो उसके पहले आपको है ना लोमड़ी बनना पड़ेगा, अगर ससला बनना है ना तो उसके पहले आपको लोमड़ी बनना पड़ेगा। तो लोमड़ी का मतलब क्या हुआ कि 900 डिग्री के जहाँ जहाँ भी टारगेट है, जिस तरह से मैं ड्राइंग करके रखता हूँ, तो सारे के सारे टारगेट है ना आपको पता होने चाहिए, सारे के सारे टारगेट देख लो, 900 डिग्री के टारगेट यहाँ पे लिख के रख दिए, कौन सा स्टॉक है अदानी पावर का स्टॉक है, कितना जाएगा 900 डिग्री, बस उसकी मजबूरी है ना वो जाएगा, चाहे हिडनबर्ग आए या कोई भी आए, उससे उसे कोई मतलब नहीं है, उसने जो तय किया है 900 डिग्री वो जाएगा।
यानी अगर मान लो हिडन ब्रेन में भी केस कर दिया, कुछ झमेला हो गया, तो ये इधर से गिरता नहीं है, उसका 900 डिग्री आया वो लेकर खड़ा रहेगा पहली बात तो, उसके बिना वो जरा भी हिलेगा नहीं, वो एक आए तो देखे रहेगा कुछ भी हो जाए। अदानी ऐसी खोपड़ी है ना कि पूछो ही मत पहली बात तो। कहने का मतलब कि यहाँ पर मैं पूरा वगैरह डिग्री का ज्ञान देता हूँ, सब कुछ लिख के रखा हुआ है मैंने, तो ये कैसे देता हूँ, कब देता हूँ, 369 का नियम क्या है, ये सारी मेरे ग्रुप के अंदर आपको सीखने मिल जाएगी। ओपन इंटरेस्ट डेटा कैसे देखते हैं, कौन सा प्रीमियम 3 रुपया का होगा लोअर देगा तब जाके ट्रेड रिवर्स होगा, तो ये सारी 369 का फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पर मेरे ग्रुप को लिख कर दिया है, तो ये पूरा का पूरा एजुकेशन पर्पज़ है और पूरा का पूरा टोटली एकदम शार्प वाला है, जहाँ पर अगर मगर तगर वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो भी मैं ड्राइंग करता हूँ वो ड्राइंग 100% हिट होता है, यहाँ तक कि जो भी टारगेट मैंने आज तक के दिए वो सभी टारगेट मेरे हिट हुए। और जो स्टॉक सिलेक्शन की बात करता, जो कछुए की चाल की बात करता है ना, तो उन लोगों ने क्या करना है, राधाकृष्ण दामानी जी, डीमार्ट, अपने ये जो राकेश झुनझुनवाला जो गुजर गए, वो उनकी फैमिली अभी बिजनेस करती है, और बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स है जिन्होंने शून्य से सृजन किया था। तो ये जो सेविंग है ना, सेविंग सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। आप लोग कोई अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करो गाइड करके और गाइडेंस लेके, और उस स्टॉक को पकड़ के बैठ जाओ आज नहीं तो कल। 900 डिग्री यानी 9 3 27 जो पला के आप बोलते थे ना स्कूल के अंदर, वही मैथमेटिक्स काम करता है यहाँ पर, सपोर्ट रजिस्ट्रेशन में। लेकिन कब काम करता है, कैसे काम करता है, कौन सी संख्या सपोर्ट बनती है, कौन सी संख्या रजिस्ट्रेशन बनती है, ये तो गुरु बिना ज्ञान नहीं है। कभी कभी क्या होता है पता है आपको, कि आप लोग डर के मारे निकल जाते हो, उसके बाद में जो मार्केट चाल चलता है ना, पछताए थे लोग, बोले यार हमें क्यों निकला। जैसे मैंने 45,000 की कॉल ली थी 175 पे 15 दिन पहले, आज भी उसका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है मेरे ग्रुप के अंदर। वो जो कॉल है वो गई 1,345 रुपया, और उसी टाइम पर मैंने कहा था कि ग्लोबल समिट ही होने वाली है, G20 होने वाली है, सभी FIIs यानी स्ट्राइक को खरीद लिया, यानी 46,300 46,400 तक के प्रीमियम को खरीद लिया है, बराबर मुफ्त के भाव में मिलते थे ना तब तो, बहुत सस्ते प्रीमियम थे, तो वो प्रीमियम को खरीद लिए, और आज देखो बाजार कहाँ चल रहा है और किसको सपोर्ट बना रहा है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 44,400 पर जब मार्केट था ना, तो बार बार रिजेक्शन दे रहा था, 15 दिन तक रिजेक्शन दिया, तोड़ नहीं पाया, एक करके बाद में ब्रेकआउट हुआ। अब बारी आई 45,800 की, अब 800 का 400, 800 का आधा करो कितना हुआ, 400 हुआ, तो क्या 45,800 इतनी जल्दी तोड़ पाएगा? सिर्फ मुझे कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है, और तोड़ेगा तो कौन से दिन तोड़ेगा वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। लेकिन तब तक एक गलती नहीं करनी है कि 45,800 की स्ट्राइक आपने इस वीक के अंदर पुट बाइंग के लिए खरीदनी नहीं है। क्या बोला मैंने, 45,800 की स्ट्राइक इस वीक के अंदर आपको पुट टारगेट के लिए खरीदनी नहीं है, इतना बता देता हूं मैं। आपको उपसाया जाएगा, पुट लेने के लिए अट्रैक्ट किया जाएगा, बहुत सारे धतिंग हो गए यहाँ पे, लेकिन रुपया करके निवेदन है, 45,800 का प्रीमियम अगर पुट का 0 हो गया इस एक्सपायरी का, तो यहाँ पर जो लोग पुट लेते हैं ना, तो समझ लो कि मार्केट को जानते नहीं है। तो मार्केट को जानना हो तो बोलते गुरु बिना ज्ञान नहीं है, तो गुरु की चरणों में आओगे, यानी मेरे नहीं, मेरे गुरु के, मेरे भी गुरु है, तो मेरे आध्यात्मिक गुरु है कि जिन गुरु की वजह से मुझे सीखने मिला जो 11-12 तारीख को नेक्स्ट महीने के आने वाले अहमदाबाद में, तो आप अगर चाहते हो तो अहमदाबाद में आप उनके दर्शन करने आ सकते हो, जो आध्यात्मिक गुरु के स्पिरिचुअल गुरु है, वो थर्ड आई अगर आपका ओपन हो गया ना, तो जो बिंदास में बोलता हूँ, जिस ट्यून से मैं बोलता हूँ, कॉन्फ्रेंस ले से बोलता हूँ मैं, उसी लेवल के साथ आपको बोलने आ जाएगा। यहाँ पर मेरे ग्रुप के अंदर कोई भी इंडिकेटर नहीं है, यहाँ पर आपको लग रहा है कोई इंडिकेटर मैंने यूज़ किया है, EMI PMI फलाना दिखना बोलते हैं ना, RSI वगैरह, कोई भी यूज़ किया लग रहा है क्या? ये खुद ने लाइन ड्राइंग किया और खुद ने 900 डिग्री लिख कर रख दिया, यहाँ पर 120 डिग्री लिख के रख दिया था। अब देख लो, अगर मैंने यहाँ पे 900 डिग्री लिखा, उसका मतलब मार्केट यहाँ जाएगा, 100% एश्योरिटी हो जाती है। मेरे ग्रुप के अंदर अगर मान लो 900 डिग्री लिख के देता हूँ, मतलब मेरे ग्रुप में लोग समझ जाते हैं कि पुट की सेलिंग होने वाली है, मतलब कि कॉल उड़ने वाली है। तो मैं बोलता हूँ कि भैया यहाँ से इतना डिस्टेंस जब तक पूरा नहीं करता है ना, तब तक आपको पुट लेनी नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस तभी आता है ना।
जब आप खुद तय करते हो कि मुझे अब ट्रेडिंग बंद करनी है और मुझे सिर्फ सीखना है, तो ऐसे जितने भी लोग नए लोग मेरे पास आते हैं तो लोग सीखते हैं। तो जैसे मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, ये विनय सर जी है जो नए नए जुड़े, तो इन्होंने ना कछुए का रास्ता चुना, कछुआ जो होता है ना कछुआ, उसका रास्ता चुना इन्होंने। और ये इन्होंने ना स्टॉक लिया, वो जो जनरल इंश्योरेंस वाला स्टॉक लिया इन्होंने, और इन्होंने इसमें प्रॉफिट बनाया। और इस स्टॉक को मैंने बोला सर जी पकड़ के बैठ जाओ, कुछ करना नहीं हमें, 270 आएगा ना तब हम निकालेंगे इसको, और उसके बाद में भी 300 तक इसको पकड़ के रखेंगे, बराबर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि 900 डिग्री 300 रुपये बोलते हैं। देख लो मैंने आपको भी एक टिप दे दी ऐसे, तो इसे आप टिप ना समझो, इसे आप मेरे तरफ से भेंट समझो, बराबर। तो ये सारे जो टिप होती है, ये सारे के सारे टिप होती है ना, ये ऐसे नहीं आती है, डिग्री के नॉलेज से आती है। डिग्री नॉलेज के लिए आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो एक बंदा है यहाँ पर है, तो वो भी अच्छा खासा कमाते हैं, उनका दूसरा दिन है मेरे साथ। तो कहने का मतलब क्या है कि आप लोग अगर मान लो सीख कर ट्रेडिंग करते हो ना, तो अच्छा खासा कमाओगे। अगर मान लो बिना सीखे ट्रेडिंग कर रहे हो तो क्या होगा, ये राजू भाई साहब ये रहे। तो इन्होंने ना ये जो कुछ टारगेट लिए थे वो टारगेट हिट हुए। मैंने इनको पूछा भैया क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? मैंने बोला तो अभी प्रॉफिट हुआ ना, तो बोले हाँ सर सब में प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर साफ साफ लिखा है। और इन्होंने इनका भी प्रॉफिट भेजा था, ये तो ये रहा इनका कुछ प्रॉफिट भेजा था इन्होंने यहाँ पर। तो कहने का मतलब मुझे बोला उन्होंने सर जी प्रॉफिट बहुत हुआ है, सब कुछ अच्छा हुआ है। तो देख लो इनको भी मैंने स्टॉक दिलवाए थे, पेपर ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, बिगिनर्स है। तो बिगिनर्स को है ना बोलते हैं ना कछुए की चाल बहुत ज़रूरी है, बिगिनर्स को कभी भी है ना ओरिजिनल ट्रेडिंग नहीं करवानी चाहिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं होती है तब तक ओरिजिनल ट्रेडिंग नहीं। जब तक मान लो प्रैक्टिस हो गई और लोअर हायर डिग्री के बारे में पता चल गया, उसके बाद में प्रैक्टिस। ये पेपर ट्रेडिंग का जो फॉर्मूला है वो बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। मैंने इनसे कहा था कि 10 लाख आपको डीमैट में फ्री मिलने वाले हैं, 2 लाख जब तक प्रॉफिट नहीं आता है तब तक ओरिजिनल ट्रेडिंग के अंदर आपको हाथ नहीं लगाना है, तब तक आप सीखो लोअर हायर को सीखो। बैंक निफ्टी के आप सारे कॉल देख रहे हो कि यहाँ पर एक पुट दी थी, पुट में 25,000 कमाए, उसके बाद में कॉल है, तो यानी टोटल मिलके इन्होंने 29,000 प्रॉफिट लिया, वो भी परसों के दिन। अगर मान लो आज में इनकी पोजीशन होल्ड रखता ना, तो ये 1.25 लाख से 2.5 लाख प्रॉफिट हो जाता, क्योंकि सारे के सारे सी ओपनिंग थे यहाँ पे। कहने का मतलब कि बिना लोभ लालच अगर मान लो 5 दिन में 8 दिन में 2 लाख अगर प्रॉफिट बनता है, तो एक दिन में 2 लाख बनाने के चक्कर के अंदर जो लोभ लालच पैदा होती है ना, उससे ज्ञान जो है ना हट जाता है। अब मेरी वीडियो वाणी को विराम करता हूँ। आशा करता हूँ कि जो नंबर है मेरा मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पे आके आप संपर्क कर सकते हो और इसे सीख सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, बार जय हिंद, जय भारत।